हेलो फ्रेंड्स, होममेड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड दाल टिक्की। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैंने रेसिपी शेयर किया है आपके साथ। वीडियो को ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए वीडियो शेयर करने की इच्छा भी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक पेज है, सभी जगह शेयर करें ताकि हम रोज़ आपके लिए घर पर बनने वाली रेसिपी लाया करें। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दाल टिक्की के लिए हमने लिया है 2 कप भीगे हुए दाल, जिसे हमने रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमने दाल पीस लिया है और अब इसमें डालेंगे 4 कली लहसुन बारीक कटी हुई या पेस्ट, 2 चम्मच प्याज मीडियम कटी हुई, 1/4 चम्मच अमचूर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप स्वाद अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसे मक्के का आटा कहते हैं। सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप रोटी बनाने वाले गेहूं का आटा डाल सकते हैं। हमने सभी सामग्री अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बनाते हैं टिक्की। पहले हाथों में थोड़ा तेल लगा लेते हैं, इससे क्या होगा कि टिक्की हाथों पे चिपकेगी नहीं और टूटेगी नहीं। टिक्की पे तेल लगे होने के कारण ये तवे पे भी नहीं चिपकेगी और तेल भी बहुत कम इस्तेमाल होगा। टिक्की ऐसे बनाएं, पहले गोल करें, फिर दोनों हाथों से हल्का प्रेस करें। कुछ इस तरह से टिक्की तैयार है। अब इसे फ्राई करते हैं। तवा मीडियम फ्लेम पर रखा है हमेशा की तरह, और अब इसमें 2 चम्मच तेल डालकर चारों तरफ फैला लेंगे। अब एक एक करते हुए सारी टिक्की डाल देते हैं और फ्राई होने देते हैं। लगभग 1 मिनट बाद एक टिक्की पलटकर चेक कर लेंगे ये हो गया है कि नहीं। अभी हुआ नहीं है, थोड़ा और फ्राई करते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं और अब ये हो गया है। हम सबको इसी तरह पलटकर फ्राई कर लेते हैं।
हमारी दाल टिक्की तैयार है दोस्तों। देखने से ही ये क्रिस्पी मालूम पड़ता है। अब इसे उतार लेते हैं। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।